के बारे में थोड़ा क्या बताएंगे, रावण बाबा ही सब कुछ है यहाँ के। इनकी महिमा जाई है कि मान लो शादी हो तो पहले इनकी पूजा हो था भैया। हाँ, इनकी पहले पूजा करी जाते जे कि बाद में सफल कार्य नहीं हुए। जय लंकेश्वर महाराज की जय। बोले रावण बाबा महाराज की जय, लंकेश्वर महादेव की जय। ये रावण बाबा आश्रम है और ये चेतन स्थान है और जहाँ सब कार्य अपने जो कार्य होते हैं वहाँ सब संपन्न होती हैं। कोई सा भी आप पे दिक्कत आ जाए, कोई सा भी कार्य ना हो रहा हो, हमारे पूरे रावण बाबा महाराज हमारे पूरे कार्य संपन्न करते हैं। जो हम मनोकामना करते हैं वो जहाँ पर पूरी होती है। ये साहब मूर्ति आज की नहीं है, ये तो बहुत त्रेता की टाइम की मूर्ति है, आज की टाइम की मूर्ति नहीं है ये स्थापित। ये तलवार है, यहाँ तालाब है और जही में इनकी जो है तलवार गड़ी है और ये जहाँ विश्राम कर रहे हैं ऐसी बताते हैं। एक ये बूदे का पहाड़ है यहाँ सामने, उसमें कोई एक दानव रहता था बहुत पहले, तो जिस क्षेत्र में कोई उससे लड़ने वाला नहीं था, तो लंका जाके रावण बाबा महाराज के सभा में बैठने और वहाँ चर्चा करी, कहने आप कैसे आ गए महाराज जी, मैं जो है मेरी इच्छा है लड़ने की और मेरे क्षेत्र में कोई है नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर रावण बाबा महाराज का जैसा मैंने कहा कछु बातचीत हो गए उनको आगमन भाव उसे शांत करके और जही मैंने विश्राम किया है। जब से ये स्थापित मूर्ति है बहुत टाइम से, अभी की नहीं है, वो बताती हैं ऐसी वेदों में, और जब से ये तलवार जहाँ पर है और ये तालाब भी जब से ये, इसकी मिट्टी भी शैम्पू का काम करती है, चर्म रोग पे भी काम आती है ये जी। और ये जो कुंड है ये महान कुंड है, शुद्ध कुंड है, इसमें स्नान करने से अपने जो है शरीर के तत्व जो रोग होते हैं भी जाते हैं यहाँ से, गंगा जी के समान है जी तालाब इसका। ऐसी साफ सब जहाँ की महिमा है, सब जहीं से पूरा आसपास जहीं सब लोग जहीं से मन्नत मांग के कोई सा भी कार्य करें जहीं से हम कह के जाते हैं हमारी कार्य संपन्न होती हैं, और नहीं फिर नहीं हो पाए। ऐसे जहाँ को महाराज को आदेश है रावण बाबा महाराज का। बोलिए रावण बाबा महाराज की जय।